ओके, तो आपको पता है कि आजकल कितने सारे मूवी फ्लॉप्स हो रहे हैं और जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हम लोग का मानना है, बट लक्ष्य चौधरी इसके बारे में कुछ और ही सोचते हैं। बेसिकली उनका मानना ये है कि उनको फ्लॉप होने के बाद भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब ये कैसे होता है आप लोग खुद देख लो। अब लोगों को क्या लगे कि बहुत सी कंपनी डूब रही, बहुत सी मूवी फ्लॉप होगी, लेकिन मैं यूं, बहुत सारी मूवी अगर 100 करोड़ के बजट में बनी ना, पहली बात तो 100 करोड़ में 200 करोड़ में बनती है, वे प्रोडक्शन के बजट इतने बिल्स हाई रहे उसे दिखा जाएगी 200 करोड़ में बनी। उसके बाद अगर उस मूवी ने 150 करोड़ भी कमा दी ना, तो उनका फायदा है, उनका 150 करोड़ वाइट हो गया। क्या करा उन्होंने, नंबर दो का कैश अमाउंट लगाया सब जगह, इसे पेमेंट लाइट वाले को पेमेंट कैश होगी, एक्टर को कैश होगी, सपोर्टिंग को कैश होगी। उसके बाद आई कैसे, बुक माई शो से फिर आ रही है आपकी नंबर एक में, तो कितना अच्छा है अपने काले धन को सफेद करने का सबसे अच्छा तरीका। तो अगर 200 करोड़ रुपए उनके 150 करोड़ हो गए तो उन्हें तो फायदा हो गया। अब मान लिया मेरे 1 करोड़ रुपए हैं जो मेरे बेड के नीचे रखे, तो मुझे तो डर है ना ईडी का, टैक्स का डर है। अगर मैं इसे बैंक में लेके जाऊंगा वहां नहीं कर सकता, 2-2.5 लाख एक साथ जमा करने की लिमिट है। उस 1 करोड़ से एक शॉर्ट फिल्म बनाऊं, उसे ऑनलाइन लगवा दूं, उसके बाद मेरे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हो, तो नंबर एक का हो गया। अरे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं राउंड टू हेल के बारे में। तो आपको पता है कि उनके न्यू वीडियो का टीजर आउट हो चुका है, जिसने उनके सभी पिछले वीडियो के जितने भी टीजर है उन सबके रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। और अभी इसको इतना कमाल का रिस्पॉन्स मिल रहा है कि ये ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रहा है। इसी चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए राउंड टू हेल कुछ स्टोरी पोस्ट किया जिसमें लिखा हुआ था, क्या हो यार तुम लोग भी, टीजर ही नंबर 1 पे पहुंचा दिया ट्रेंडिंग में। आपको पता है कि राउंड टू हेल के आजकल जो भी वीडियो आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट वाले हो रहे हैं। इसी के ऊपर कुछ दिन पहले अपने वीडियो के अंदर रिएक्ट किए थे, एक चैनल मैं ऐसा देखता हूँ जो इंटरनेट और इंडस्ट्री लेवल की कंटेंट की हर एक कोने में एडवांटेज उठाता है, और वो आता है राउंड टू हेल। इनका कंटेंट कभी भी सबके लिए कन्वेंशनल नहीं रहा। टाइम ट्रेवल, ज़ॉम्बीज, फैंटेसी, साइंटिस्ट, पोस्ट अपोकैलिप्टिक वाली दुनिया, ये सारे जॉनर्स सिर्फ फॉरेन मीडिया में ही पॉपुलर रहे हैं, और ये साल दर साल इंक्रीज होती हुई इनकी क्वालिटी जस्टिफाई करती है कि ये आगे चल के और भी ज्यादा रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेंगे। इनकी वीडियोस बाकी किसी भी प्राइम टाइम शो की तरह व्यूज तो लेकर आती है, लेकिन इनकी वीडियोस का कॉन्सेप्ट टिपिकल यूट्यूब बैरियर्स को तोड़ता है। जैसे कि अभी टीवी शोज टीवी नहीं रहे, वो और भी ज्यादा सिनेमैटिक होते चले गए हैं, जैसे कि ब्रेकिंग बैड, द विचर सीरीज, डार्क मटेरियल, ये कोई टिपिकल सीरीज नहीं है। सो बेसिकली इसी वीडियो के ऊपर राउंड टू हेल के एक मेंबर जैन से भी रिएक्ट किए, लिखे ही नेवर डिसअपॉइंट योर वर्ड्स पीजेक्स प्लान। तो नेक्स्ट बात करते हैं फिजिक्स वाला के बारे में। तो आपको पता है कि उनके ऊपर एक वेब सीरीज आ रहा है, बट उस वेब सीरीज के अंदर जो चीजें दिखाई गई है क्या वो रियल में उनके साथ हुआ है या नहीं हुआ है, इस बारे में वो रिएक्ट करते हुए क्या बोले आप लोग खुद देख लो। कुछ कुछ है देखो मेरी लाइफ से, कुछ कुछ नहीं भी है, कुछ कुछ सीन्स बाहर आए हमने देखे अभी, तो कुछ कुछ है। बेसिक मतलब स्टोरी यही है, बट काफी डिफरेंट है, कैरेक्टर नेम है, कुछ चीजें बॉलीवुड वॉलीवुड जो होता है ना वैसा उस टाइप का किया गया है। पूरी रियल स्टोरी नहीं है, काफी कुछ रियल नहीं है, काफी कुछ है काफी कुछ नहीं है। मूवी में बोलते हैं ना फिक्शन डाल देते हैं, मसाला वसाला डाल देते हैं, थोड़ा वैसा किया है। हाँ बेसिक स्टोरी तो वही है जीवन की जो गाता है। सच्ची स्टोरी तो हम तो कितनी बार तुम लोगों को सुना ही चुके हैं यार, असली स्टोरी। अपनी स्टोरी लिखो यार, मेरी स्टोरी देख के क्या करो, अपनी स्टोरी लिखो, तुम लोग खुद अपनी कहानी लिखो। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हेनरी कैविल के बारे में। तो जैसा कि कल के वीडियो में आपको बताया था कि ये सुपरमैन का रोल अब आगे प्ले नहीं करने वाले हैं, बट अभी इस अनाउंसमेंट के बारे में बात चली रही थी तब तक ये दूसरा अनाउंसमेंट कर दिए कि अब से ये वारहैमर यूनिवर्स में काम करने वाले हैं, जैसा कि आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो। वैसे वारहैमर यूनिवर्स के बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बट एक चीज है कि इसके अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे लोग ऐसे सैड हैं क्योंकि सुपरमैन अब दोबारा से आपको देखने को नहीं मिल सकता, लेकिन बहुत सारे लोग खुश भी है कि एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा ओपन हो गया। सो इस अनाउंसमेंट के अंदर बताया कि वो अभी क्रिएटर फिल्म मेकर की खोज कर रहे हैं, जैसे वो मिल जाएंगे उनका इसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाने वाला है। तो आप लोग इससे खुश हो कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं गौरव जोन के बारे में। तो अभी उनके साथ एक स्कैम चल रहा है, इसके लिए जब से वो अपने कार को बेचने का अनाउंसमेंट किया है तब से ये स्कैम चालू हो गया। स्कैम पहले चालू हो जाते हैं भाई, तो अभी जो मैंने वीडियो डाली है कुछ बंदे के कर रहे हैं कि हाँ 7 लाख की बेच रहा है, मेरे को रिप्लाई करो, मैं डील डन करवाऊं। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, जिस पेज को मैंने टैग कराया है उस पे क्लिक करना है, ठीक है। या तो वो जेन्युइन है या जो मैंने स्टोरी में जिसका नंबर दिया वो जेन्युइन है, इसके अदरवाइज किसी तीसरे का भी मैसेज आए, कहीं से आए, फोन है, कुछ है, डील नहीं करनी है उससे। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं एलोन मस्क के बारे में। तो अभी उनको बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है, रीजन ये है कि ट्विटर ने लगभग 8 जर्नलिस्ट के अकाउंट को बिना कुछ बताए, बिना किसी वार्निंग के सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद वो जर्नलिस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। उन सस्पेंडेड अकाउंट के अंदर आप देख सकते हो द न्यूयॉर्क टाइम के रियान मैक है, CNN के डॉनी ओसुलिवान है, और वाशिंगटन पोस्ट के ड्रू हार्वेल भी है, 5 और जर्नलिस्ट है। तो इन्हीं को लेकर बहुत ज्यादा ट्विटर के ऊपर ट्वीट हो रहे हैं, यही वजह की एलोन पे लगभग 1 मिलियन से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं, और देख सकते हो कि ट्रेंडिंग नंबर 1 पे भी चल रहा है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं यूके जीरो सेवन राइडर के बारे में।
बेसिकली वो किसी होटल में ठहरे थे जहाँ पे बिना किसी परमिशन के कुछ लोग इनके रूम में डायरेक्ट आ जा रहे थे, इनके साथ फोटो वगैरह खिंचवाने के लिए या किसी भी काम से वो बिना किसी नॉक के या बिना किसी परमिशन के आ जा रहे थे। इसी चीज का कंप्लेन वो नीचे किसी मैनेजर से किए, बट उस मैनेजर ने सही से बात नहीं किया। ये लोग अपना खाना भी ऑर्डर किए, उसके लिए भी मैनेजर ने बोला कि आप लोग को नीचे आना पड़ेगा, नीचे आकर ले जाओ, जो कि इन लोगों को सही नहीं लगा। और उसके बाद ये लोग क्या किया आप लोग खुद देख लो। आपके बोलने का तरीका देखा आपने, प्यार से बात किया मैंने, आपने प्यार से 10 बार मैम ने कॉल कर दिया का मतलब क्या होता है? आप बताओ, हमारी प्राइवेसी का कोई कंसर्न है आपको? आपका स्टाफ कोई भी आ रहा है रूम में? आपका स्टाफ को यही बोला मैंने, उनको यही बोला कि हम रूम पे भिजवाएंगे नहीं, हमने भिजवाया। मैंने क्यों मना किया? मैंने आपको कॉल क्यों किया था? आपका स्टाफ का बंदा विदाउट एनी बंदा नहीं हूँ। केटल लेने कौन बाहर से आया था कोई? आपके जिन्होंने बुकिंग किया उन्होंने भेजा था हमको। कौन केटल लेने के लिए कौन गया था? उन्होंने जिन्होंने हमको बुकिंग दिया था उन्होंने भेजा था। कौन है वो? कौन है वो एक बार बुलाओ। लेखराज जी उनको बुलाओ ना क्लस्टर से यार। और आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? हमने तो आपको हमने क्या बोला? मैंने उनको यही बोला कि हम आउटसाइड पूरा अलाउड करते नहीं है, हम आप खुद लेने के लिए आ जाइए। जब मैंने आपको कॉल किया था ना, उससे पहले जो बंदा आया था उसको बुलाओ, वो कहाँ है? सर एक बार बोल दो ना उनको, एक बार बुला दो करके। अंदर जा रहे हैं और विदाउट एनी परमिशन अंदर जा रहे हैं, ऊपर से फिर फोटो के लिए बोल रहे हैं हम आप और किसी के डोर नॉक किए, सीधा अंदर जाके कैटरर टच कर रहे हैं। वो रूम बुकिंग किया हुआ था जिन्होंने रात को आपको चाहिए, वो जो जिसने रूम बुक किया है ना वो कौन है? आप उनको पता, आप ऊपर किससे बात कर रहे हो? आपको पता भी है वो कौन है? मतलब किस तरीके से आप बात कर रहे हो? जानते नहीं तो आप, मतलब अपने गेस्ट से भी आप ऐसी बात करते हो? मैंने आपसे कुछ गलत बोला तो आपने, आप मतलब इतना, मतलब आप अपना बात करने का टोन देख रहे थे कि आप किस तरीके से बात कर रहे थे? आपने प्यार से बात नहीं किया था। चलो आप जानो चाहे ना जानो, आप किसी से भी अपने गेस्ट से ऐसे बात करते हो? ऐसे बात करता है तो सर नहीं, मैं समझ गया आपकी, मैं सुना अभी ये बातें जो है सर, ये बदतमीजी हो रही है, बात करने का एक तरीका होता है। I'm so sorry for that, लेकिन हाँ मैंने वो बता दिया है, अभी से आपको कोई भी रूम में जाएगा नहीं विदाउट आपकी परमिशन। सर आपने कल ही बोला था, कल ही बोला था, और हमने सुबह से 10 बार भी किया। मैंने इनको एक ही बार बोला कि सर मतलब यहाँ पे रूम पे कोई भी आ रहा है? नहीं नहीं, अभी ये कोई भी अलाउ नहीं होगा, आप विदाउट आप परमिशन देंगे यहाँ से कॉल करेगा, आप अलाउ करें ओके करेंगे, किसी को भी मत कीजिए। अगर हमारे अगर हमारा कोई नोन होगा ना तो हम खुद ही उनसे बात कर लेंगे। ये तरीका नहीं होता है कि किसी से ये बात कर रहे हैं ना, के बीच काफी लंबा बहस हुआ था, उस वीडियो को आप चाहो तो जाके देख सकते हो। बाकी लास्ट में आपने देखा कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया और वो लोग सॉरी बोल दिए। तो आज के वीडियो को हम यहीं पेंट करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। बाकी का जो भी न्यूज होता है उसके बारे में मैं कल बात करता हूँ आपसे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।